बिग बॉस के घर में विवियन डेसाना का भी वही हाल होने वाला है जो मुनव्वर फारूकी का बिग बॉस सीजन 17 में एक समय पे हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज। अगर मैं आपको बताऊं तो विवियन डेसाना मतलब बहुत समय बाद, लोग सोशल मीडिया पर तो यही कह रहे हैं कि बहुत समय बाद कोई वैसी ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिली है जो बिग बॉस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और जिसको देख कर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि भाई कोई तगड़ा बंदा इस बार के बिग बॉस में तो कम से कम आया। ऑल दो अगर देखा जाए तो बहुत समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसी पर्सनालिटी बिग बॉस के घर में आए जिसको देखकर मज़ा आना चाहिए। पिछले सीजन जैसे मुनव्वर आए थे, उसके पहले स्टैन, शिव, ये लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं एक चार्म वाला पार्ट मिसिंग था कि भाई कोई ऐसा बंदा आए जो सीधा रोक टोक हो। और उसके बाद अब कट्टू अगर देखेंगे, विवियन डेसाना इस सीज़न में आए जिसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई बहुत तगड़ा कमबैक किया है, बहुत समय बाद वापसी की है। कुछ लोग इनको सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर रहे हैं और तमाम चीज़ें। बट मुनव्वर से मैंने इनका नाम इसलिए जोड़ा बिकॉज एक समय मतलब मुनव्वर का भी बिग बॉस के घर में हमको देखने को मिला था जब आयशा की एंट्री हुई थी और मुनव्वर पूरे क्लूलेस थे और क्लियरली उनको पता था कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं जो उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट की। बट यहाँ पर तो गलतियों वाला हाल नहीं लग रहा, लेकिन कुछ टाइप ऑफ उसी तरीके की चीज़ें होने की आशंकाएँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं बिकॉज वहबीज दोराबजी जो कि एक्स वाइफ हैं विवियन डेसाना की, भले इनका डिवोर्स हो चुका है बट रूमर्स और खबरें तो यही सामने आ रही हैं कि विवियन डेसाना के सामने वहबीज दोराबजी आने वाली हैं, यानी कि उनकी एंट्री हो रही है बिग बॉस 18 के घर में। जिसके बाद बहुत सारे लोग का ये अजम्पशन है कि शायद विवियन डेसाना का हाल भी कहीं मुनव्वर फारूकी वाला ना हो जाए, मतलब रोना धोना और कुछ पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा सैड दिखना, थोड़ा सा उदास दिखना, या फिर कुछ कहीं इनसिक्योरिटी वाला पार्ट देखने को मिले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।